चियोंग तेयुल, मैं आपको अपनी रानी और अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। देखिए, अब आप मेरी वजह बन गई हैं, मेरी वो वजह जिसके लिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। क्या कहा रानी? क्यों, कुछ दिन यहाँ रहकर मुझ पर दिल आ गया? हाँ, घोड़े के साथ साथ तुम्हारी अकल भी दौड़ने गई है क्या? बात अगर दौड़ लगाने की है तो मैं घोड़े पीछे छोड़ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ बहस करने वाला पागल ही हो सकता है। तुमने जो कुछ भी कहा है वो सच है। मैंने अपनी पूरी दुनिया आपके कदमों में रख दी है, इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? वाह, बातें तो तुम बहुत अच्छी कर लेते हो राजा जी। वैसे ऐसी बातें तुम हमेशा कर लेते हो या फिर लड़की देखी तो डायलॉग बाजी शुरू हो जाती है तुम्हारी? बेवकूफ समझा क्या? सभी नंबर्स में मुझे 0 सबसे ज्यादा पसंद है, और आपके अंदर भी वही खूबी है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अक्सर लोग मानते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ये नंबर किसी भी कीमत को बढ़ा सकता है या उसे मिटा सकता है। पैसे की कीमत उसके आगे लिखे नंबर से नहीं होती, बल्कि पीछे लिखे 0 से होती है। रूट के सिंबल में फंसे हुए नंबर को बाहर निकालने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो नंबर स्क्वायर रूट हो या फिर कोई ताकतवर सा नंबर हो जैसे कि 0। आप हमेशा बिजी रहती हैं, मेरी जरा भी परवाह नहीं करती। आप ही की वजह से मैं यहाँ पर कमजोर हूँ, मगर कोई बात नहीं, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर हैं, और मुझे रूट के सिंबल से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब मुझ पर यकीन हुआ? तुम फिर से शुरू हो गए, लगता है तुम नहीं सुधरोगे। क्यों मेरे दिमाग का दही बना रहे हो राजा जी? आप अकलमंद बिल्कुल नहीं है, उल्लू हैं बिल्कुल। उल्लू? मैं उल्लू? मतलब कहने के लिए कुछ बचा नहीं तो कुछ भी बकोगे? और एक राजा जब मुझ जैसे उल्लू के साथ शादी करेगा तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैंने एक उल्लू से शादी कर ली तो पूरा मंत्रिमंडल मजाक उड़ाएगा। ये मंत्री संतरी कहाँ से आ गए? हाँ हाँ, ले चलो मुझे अपनी दूसरी दुनिया में, वहां जाकर तुम मुझे अपनी रानी बना लेना, यही चाहते हो ना? अब बताओगे कब जाना है? चलो चलो ना।